ओके बॉस, वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो तुम सभी लोग भाइयों? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ दिया था, सेट का पार्ट। फर्स्ट मैं क्या करा था, डिसजॉइंट तक करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। अब डिसजॉइंट से आगे कराएंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में क्या क्या कराया था, सेट, नोटेशन फॉर सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और सेट के वेरियस टाइप, और डिसजॉइंट तक। डिसजॉइंट में क्या था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दिया। अब देखते हैं बच्चों कि भाई सेट के पार्ट वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूं आपको यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट का मेरे प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल सेट में हर एक चीज आ जाए, मतलब कि क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी नेचुरल नंबर, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसके बीच में पार्ट बनाए कुछ कुछ भी बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर वन, जिसमें हम किसी चीज को ना कंसिडरेशन करते हैं उसको ही हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। बुक डेफिनेशन पढ़ लोगे, लेकिन एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। प्लान ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लान ज्योमेट्री। प्लान ज्योमेट्री का क्या होता है कि भाई प्लान ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल, सर्कल और लाइंस। ये सभी क्या है, प्लान ज्योमेट्री एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये इसके एग्जांपल है। क्योंकि हम प्लान ज्योमेट्री में क्या स्टडी करते हैं, द सेट ऑफ ट्रायंगल, द सेट ऑफ सर्कल, द सेट ऑफ लाइन, दीज आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेट बॉस। ठीक है, तो बॉस अब क्या करेंगे इसके बाद क्या होगा, इसको डिनोट कैसे करोगे? इसको अमूमन मेरे प्यारे दोस्तों डिनोट किया जाता है एक्स और यू से। आई बात समझ में? इसको ही बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मर्जी है आप लोगों की, चाहे तो आप एक्स से डिनोट कर लो और चाहे आप यू से डिनोट कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है, एक एग्जांपल दे दिया मैंने बच्चों आप लोगों को। यूनिवर्सल सेट के बाद क्या आता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम में क्या होता है कि भाई जो भी है ना, ये वेन डायग्राम में हम ना क्या स्टडी करेंगे, ध्यान से देख सुनना बच्चों मैं क्या बोलने जा रहा हूं आप लोगों को, कि जब भी हम किसी भी सेट की दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक तो हम करेंगे सेट की स्टडी, और एक हम स्टडी करेंगे कि भाई सेट को ना, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑन सेट। एक तो हमने क्या क्या करना है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट। आगे समझो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेट करनी है हमने, किसके थ्रू, थ्रू बाई ए डायग्राम या फिगर। आगे बात समझे बच्चों मेरी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक रेक्टेंगुलर बना ली हम लोगों ने ये इस टाइप से, ठीक है। उसके अंदर बेटा मैंने दो सेट ले लिए, सेट ए और सेट बी, और ये क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। इसको डिनोट करेंगे बेटा एक्स या यू से, वट एवर यू वॉन्ट टू पुट दैट, एक्स या वाई। ठीक है, तो बच्चों ये जो दो सेट है ना, इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ट्रायंगुलर के अंदर आएगा और सेट फिक्स होंगे, तो ये वेन डायग्राम होता है विद इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में ए और बी। इसको हम, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो पार्ट फर्स्ट में, उसमें मैंने डेफिनेशन दी थी बेटा डिसज्वाइंट की, तो ये डिसज्वाइंट होता है बेटा। ठीक है, कि भाई ए इज इक्वल टू है एम्प्टी। जब क्यों क्यों एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है जीरो। तो आगे बात समझ में, ये यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने स्टार्ट किया था
कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है और वेन डायग्राम क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, यूनियन ऑफ ए सेट या यूनियन सेट क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट या यूनियन सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे, जो मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर बताई थी किसमें, वेन डायग्राम में, कि भाई कोई दो सेट होंगे, ठीक है ना, ए और बी, और उनके बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो सारा होगा, उसको ही हम यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, ए एंड बी। आगे बात समझे बच्चों, ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल भाई, कोई मान लो ए, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट, बी इज इक्वल टू है, ला लो यार कुछ भी लगा लो यार, 2 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। आगे बात समझ बच्चों, सभी एलिमेंट आएंगे और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, कभी दो दो दोबारा लिख दो, मैंने इसलिए लिखा कि रिपीटेशन किसी भी सेट में कहीं भी कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये रिपीटेशन तो कहीं भी अलाउड ही नहीं होगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड करते हुए सेट की वैल्यू खत्म हो जाती है, कि भाई हाँ भाई, तो वो कचरा हो जाता है, एक सिंपल फॉर्म में भी अच्छा नहीं लगता वो। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू है, टेक्निकल फॉर्म जो मैथमेटिकली फॉर्म होती है, तो मैंने एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझा दिया। इफ जो टर्म क्या होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू है ए एंड एक्स बिलोंग्स टू है बी, ये टेक्निकल फॉर्म बनेगी भाई जब यूनियन ऑफ सेट बनाओगे। ये आगे बात समझो बच्चों, अब यूनियन ऑफ सेट तो ये हो गया, अब इसका जो ये फर्स्ट पार्ट था उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन मैं इसलिए करा रहा हूं इस पे, ताकि आप लोग इजीली दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप से समझ पाओ। अब देखो इंटरसेक्शन का मैं बनाता हूं डायग्राम, इधर ही बना लो यार, ये कोई एक सेट है ए, ये कोई बी सेट है, इंटरसेक्शन बी सेट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, जो इनके बीच का पार्ट होगा ना बेटा वो आएगा, यानी कॉमन आएगा, दो एलिमेंटों के बीच में जो कॉमन आएगा ना उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, यानी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी या बी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इसका सैंपल क्या होगा बेटा, इसका सैंपल क्या था, बीच में हम यू लगा रहे थे, ये देखो ये सब सेट को नीचे कर दिया। अब इसको क्या लगाएंगे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा, ऐसे करके। तो सपोज करो ए कोई वैल्यू, ए की कोई वैल्यू रख लो यहां पर, ए कहाँ स्थान मिलेगा मेरे को भाई, इधर इधर मिल जाएगा, चलो ए इसमें लिख लो, ए कोई 1 2 3 4 5 है, और बी क्या है, 3 5 7 और 8 और नो कुछ भी लगा लो। तो इन दोनों के बीच क्या इंटरसेक्शन होगा बेटा, कि भाई कॉमन देखना है, से 3 है, फिर 5 है, और उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये बच्चों बन जाएगा इंटरसेक्शन। आगे बात समझ में, तो इसको एग्जाम्पल से हमें समझ लिया, ठीक है। अब बेटा इसको समझो टेक्निकल फॉर्म में, जो कि मोस्टली जो 11th क्लास में पढ़ते होंगे बच्चे, जो बेसिक कर रहे होंगे यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए मैथमेटिक्स का, उसको कैसे लिख पाओगे। ये तो है मैथमेटिकली फॉर्म, कोई भी दे रहा है भाई, इंटरसेक्शन ये होता है, यूनियन ये होता है, लेकिन टेक्निकल फॉर्म ये होती है बेटा। तो इंटरसेक्शन की टेक्निकल फॉर्म क्या होगी बेटा, ए
इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू है ए एंड एक्स बिलोंग्स टू है बी। बेटा कॉमन ही है दोनों, ध्यान से देखो, इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि जब तक दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू नहीं आएगी और वह वैल्यू दोनों में नहीं होगी तो इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना बेटा। और यूनियन में भी ऐसे हैं, यदि वो दोनों वैल्यू एक्स है तो एक्स दोनों से बिलोंग्स टू करनी चाहिए जब भी यूनियन बनेगा, और एक्स ये दोनों वैल्यू जब तक इंटरसेक्शन में नहीं होगी तब तक इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लो बच्चा, ये टेक्निकल फॉर्म बनेगी, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए सिंपल सिंपल से, ठीक है ना। तो बच्चों आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को यूनियन ऑफ सेट समझ लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ लिया, अब थोड़े बहुत के बारे में बारीकी देखो कि हमें बात क्या याद रखनी है। इट मस्ट बी नोटेड, हमें क्या बात याद रखनी है कि जब x बिलोंग्स टू है ए यूनियन बी और जब x बिलोंग्स टू है ए इंटरसेक्शन बी तो इंप्लाइज इज इक्वल टू, या इंप्लाइज बोल लो बच्चों, x बिलोंग्स टू है ए एंड x बिलोंग्स टू है बी, x belongs to her a and x belongs to her b। तब जब बच्चा जब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, a intersection b is equal to her a not belongs to her a और x not belongs to her b। x belongs to her a intersection b is equal to her x belongs to her not belongs to her a or x not belongs to her b। तो बेटा ये जो तीन चार चीजें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। इसके जरिए जो मैंने डेफिनेशन में बता दिया आप लोगों को और मैंने क्लियर फाई भी कर दिया आपको, समझा भी दिया, ये चीज आपको दिमाग में समझनी और याद रखनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद देखो यार, तो अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन पढ़ लिया भाई, इंटरसेक्शन पढ़ लिया भाई, अब डिफरेंस क्या होता है भाई। देखो एक डायग्राम बना दिया मैंने, इसमें कोई सेट है ए, इसमें कोई सेट है बी, ये अगर ए एंड बी, ठीक है। अब जो ए एलिमेंट है जो बी एलिमेंट है उन एलिमेंटों के बीच में जो स्पेस क्रिएट होएगा ना बेटा, जो एक टाइप का इंटरसेक्शन क्रिएट होएगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, ए डिफरेंस बी, जो निकलेगा क्या निकलेगा, ये निकलेगा। आगे बात समझे बच्चों, तो अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भाई ए सेट और बी सेट की थोड़े से एग्जाम्पल डायग्राम से समझा, एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे करना, ध्यान से देखना बच्चों, मोस्टली कॉम्पिटिटिव टेस्टों में यहां से ही आता है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव टेस्टों में, कि भाई इसको ना ए माइनस बी या a अपॉन b ऐसे करके सैम्बल आया, कन्फ्यूज ना हो जाइए भाई, कहीं कन्फ्यूज हो जाए बच्चों। तो एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, एक कोई a इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5, b ले लो कोई भाई, b इज इक्वल टू है उठा लो भाई साहब 4, 7, 8, 9, 10। तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5 - 4, 7, 8, 9, 10 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4 इज अ आंसर ओनली। तो 1 माइनस b और 1 अपॉन b इज इक्वल टू आ जाएगा 4।
तो ये बेटा डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं इसको ओवरऑल। आगे बात समझे बच्चों, कितना भी ले लो मेरे भाई, कितना भी ले लो मेरे प्यार दोस्तों, कहीं से भी उठा लो, कोई भी माइनस कर लो। एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो यहाँ पर यार ये 5 ले लो यहाँ पर, ठीक है, तो ये 8 लगा लो, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। तो अब हमने क्या किया आज, आज हमने किया वेन डायग्राम पढ़ा, हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा, हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और जिससे हर एक चीज को रिलेट करेगी, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मेरा पर्पज क्या था यूनिवर्सल सेट को समझाने का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए। कोई डायग्राम है बेटा, ध्यान से देखना इसको, कोई डायग्राम बना लिया मैंने ये, ठीक है। अब देखो ये कोई एक्स है, ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट है हमारा, कॉम्प्लीमेंट सेट ए सी, ए लगा लो या ए सी यहां लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तीन चीज होगी हमेशा, हमें याद रखना, एक हमारा सेट होगा ए, एक होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट और एक है यूनिवर्सल सेट। ये बात दिमाग में सेट कर लो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमें तीन चीजों पर फोकस करना है, ओनली तीन चीजों पर, कि भाई एक यूनिवर्सल सेट होगा, एक कॉम्प्लेक्स जो जिसके बारे में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और एक सिंपल सेट होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बच्चों मैंने एग्जाम्पल ही रखा कि मैंने आप लोगों को तीन चीजों की जरूरत रहती है, कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सी, ए सी आप समझ गए हो कि भाई ये आप देखो मैंने हर एक का सैम्बल बताया आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सैम्बल को ना आप इस सैम्बल से भी डिफाइन कर सकते हो या ए सी लिख कर भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा किसी यूनिवर्सल में एक कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया, और एक्स एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा इसमें, ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ये बात जरूर ध्यान से देख लो कि भाई ए सबसेट होगा एक्स का, और सैम्बल इसके ये होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के। तीन चीजों को बात ध्यान रखनी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। उसके बाद इसको टेक्निकल फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे, देखो ए सी इज इक्वल टू है, ध्यान से देखना बच्चों, ये चीज इन चीजों में बहुत गलतियां करते हैं लोग, एक्स x belongs to है x, x क्योंकि x सारा यूनिवर्सल का पार्ट है, एंड क्या निकाल रहे हो आप, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट सेट, द सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल रहे हो ना, तो x belongs to है x, तो x not belongs to है, Not belongs to है A, ये फॉर्म बनेगी बेटा इसकी, ध्यान से देख लो ये फॉर्म बनेगी, और ये बात दिमाग में सेट कर लो कि यदि तुम, ये तो मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला, जब तुम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, जब तुम सेट निकाल रहे हो, ध्यान से देखो बच्चों, ये चीज यही क्रिटिकल है। सेट सुट सबको आसान लगते हैं, लेकिन यही बच्चा कंफ्यूज रहता है कि भाई अच्छा ये ए सी जब आपने निकाला तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्यों नॉट बिलोंग्स टू होगा, रीजन पूछो, कोई रीजन नहीं पूछता यार। फिर रीजन इसलिए है क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यार कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सिलेबस चल रहा है मेरा भी यार, ए सी मतलब कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाई। ये बात दिमाग में रट लो या कुछ कर लो, इसीलिए x नॉट बिलोंग्स टू ए, जब x बिलोंग्स टू x, और जब आप ये निकालते हो, रीजन ये है कि भाई वो डिसज्वाइंट होते हैं हमेशा, ये आपस में डिसज्वाइंट होते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होता, जो एलिमेंट इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, जो एलिमेंट इसमें होगा इसमें नहीं होगा, लेकिन सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, x के अंदर होंगे। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ac इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद ए सी इज इक्वल टू है एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू है एक्स,
एंड अब बच्चों वही रिवर्स कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ इतना आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आप बोलोगे मैथ ही मैथ हो, किसी भी कंपटीशन लेवल का हो। तो यहां पर आ जाएगा बेटा ए सी, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता, ना ही यूनियन होता, कुछ नहीं होता, बस डिसज्वाइंट होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाता है। आप इसको नंबर में भी समझ सकते हो, नंबर में भी समझा सकता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो आपके पास यहाँ कोई एक दो तीन चार, ये है पाँच छः सात आठ नौ, अब देखो दस, एक्स के इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? मेरे प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद ए के इज इक्वल टू क्या है? ए के इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 4 है बस। और ए सी यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू क्या है? 5 6 7 8 9 और 10, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें देखो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई ए के और बीच कॉम्प्लीमेंट के कोई इंटरसेक्शन है? नहीं है, जीरो है। यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए यानी सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है जीरो। तो जीरो होगा तो ये क्या होगा? डिसज्वाइंट सेट हो गया। आ गया बात समझ में? और दोनों यानी ए बी क्या है? सबसेट है एक्स का, और ए सी सबसेट है एक्स का। आगे बात समझ में? लेकिन डिसज्वाइंट इनके बीच में नहीं है, तो इसलिए हमें क्या फॉर्म बनाई है? ये फॉर्म बनाई है कि भाई यदि ए सी निकालना हो जब हमें, तो एक्स यानी एक्स जो ए सी में है, यानी यहां लगा लो पांच, लगा लो कोई एलिमेंट, पांच पांच बिलोंग्स टू एक्स, लेकिन जो पांच है ना, ये यहां पांच लगा लो, ये पांच लगा लो, ये पांच ए में थोड़ी है। ए में कहां है पांच? कहां है पांच? ए ध्यान से देखो यार। अब देखो जो एक एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट दो लगा लो, दो लगा लो, दो ए सी में कहां है? दो 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 ए सी में कहां है? दो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में क्या करवाया था? सेट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, जब नोटेशन फॉर सेट में करवाया था, याद करो बच्चों। तो वहां से ये आया है, तो बिलोंग्स टू कर रहे हैं तभी तो यहां पर लिख रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगी। तो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों ये लेक्चर यहाँ ही खत्म करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी नहीं बना पाती ना सब्जेक्ट के साथ। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रटना नहीं है, समझना है। कोई भी स्टूडेंट हो, आई ट्रिपली का हो, या एनडीए का हो, या इलेवंथ क्लास का हो, या इवन यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, उसके ये बेसिकली होते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या आती है यूपीएससी में? यूपीएससी में ये लिख नहीं पाते लोग, जो मैथ लेते हैं ना वो सी डिनोट नहीं कर पाते चीज़ों को, इसलिए यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स में बेस की जरूरत होती है, जो मैं करवा रहा हूँ। और ये बात ध्यान रखो, जो मैं ये मेटेरियल करवा रहा हूँ 10 साल 15 साल कितने साल बाद देख लो यही रहेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक मैं इतने कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं आप लोगों को डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम है वो इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है डी मॉर्गन थ्योरम। तो इस सेकंड पार्ट ये होगा, थर्ड पार्ट में डी मॉर्गन थ्योरम, और उससे अगला पार्ट मैं कराऊंगा सेट का। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे काम को अप्रिशिएट करो, और मेरे से कुछ सीखो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।